अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड लवर बाय फरी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है चिकन बर्गर। ये बंस भी हमने घर पे ही तैयार किए हैं, तो आइए हम इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून ईस्ट मैं शामिल कर दूँगी। उसके साथ ही इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून सूखा दूध जाएगा। वन टेबल स्पून चीनी इसके अंदर शामिल करनी है और 1/2 टीस्पून नमक इसके अंदर हमने डाल देना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने गूंद लेना है नीम गर्म पानी से, ताकि हमारी डो सॉफ्ट बिल्कुल तैयार हो। घी मैं इसमें शामिल करना भूल गई थी, इसके अंदर हमने घी या मक्खन 2 टेबल स्पून शामिल कर देना है। ये हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको राइस होने के लिए तकरीबन 2 घंटे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। 2 राइस हो चुकी है। अब हमने इसको अच्छे से मैदे से स्प्रिंकल करना है और इसके बंस तैयार करने हैं। इस तरह से हमने इसको इक्वल पार्ट में नाइफ से कट कर लेना है और इसके बंस तैयार करने हैं। ये बन तैयार हो चुके हैं। मैंने लंबे बन बनाए हैं, आप चाहें तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं। इसको ग्रीसिंग करना है ऑयल या घी से। ग्रीसिंग करने के बाद इसके अंदर बन सेट कर देने हैं। ये बंस हमने फ़ौरन बेक नहीं करने, इसको 10 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने इसे बेक करना है। इसके ऊपर आप इसके ऊपर आप दूध या फिर एग भी फेंट के लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर दूध लगा रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। और इसके ऊपर मैं कलौंजी स्प्रिंकल कर दूँगी, आप चाहें तो आप तिल भी यूज़ कर सकते हैं। दस मिनट हो चुके हैं बाहर इसको रखे हुए। अब मैं इसको बेक करने के लिए पतीले में रख दूंगी। पतीला जो है वो प्री हीट किया हुआ है। इसको हमने तकरीबन 20 to 25 मिनट्स बेक करना है। ये देखें, ये बन बहुत ही सॉफ्ट बने हैं जो हमने पतीले में बेक किए हैं। ये देखें, बहुत ही मज़े के। अब हम इसके फिलिंग तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैंने 1 दरमियानी प्याज चॉप की हुई ऑयल के अंदर डाल दी है।
प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है। इसके साथ ही मैंने चिकन का कीमा इसके अंदर शामिल कर दिया है। हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट के अंदर डालना है। ऑलिव यानी कि जैतून मैंने काट के रख लिए थे, वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून केचप का जाएगा। इसी तरह तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसके अंदर हमने मायोनीज शामिल कर दी है। अब इन सबको डालने के बाद अच्छे से हमने चलाना है। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक इसके अंदर शामिल कर देना है और इसे हमने अच्छे से चलाना है ताकि चिकन आराम से गल जाए। इसके साथ ही मैं इसके अंदर स्लाइस चीज़ डाल दूँगी। आप चाहें चेडर या मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो आसानी से अवेलेबल हो। एक स्लाइस चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। मज़ेदार चिकन फिलिंग तैयार है। अब इसको हम बंस के अंदर रख लेते हैं। एक सलाद पत्ता मैंने इसके अंदर रख दिया है। उसके साथ ही मैं ये फिलिंग जो हमने तैयार की है वो इसके अंदर मैं रख दूँगी। ये देखें मज़ेदार चिकन बर्गर तैयार है। बहुत इजी रेसिपी है और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। आप ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।